नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी, आपका होम्योपैथिक मित्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी देखने जा रहे हैं और वह है अर्जेंटिकम मेटालिकम। आजकल हम ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो ADDD यानी अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर में रहते हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इतना कम होता है कि एक जगह वो बैठ नहीं सकते, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की ये रेमेडी है। तो शुरू करते हैं अर्जेंटिकम मेटालिकम। अर्जेंटिकम मेटालिकम ये बहुत बार यानी प्रामुख्य से मेल रेमेडी देखी जाती है, लेकिन ये रेमेडी फीमेल में भी बहुत प्रमाण में मिलती है। इस रेमेडी की जो इच्छा होती है वो होती है एम्बिशन टू अचीव ग्रेट थिंग्स। अब ग्रेट का अर्थ आपको बताइए, ग्रेट यानी महान, इतना कि उस जगह को ही पहुंच नहीं सकता। ऐसी जो जगह है या ऐसी जो चीज है उसे ग्रेट कहते हैं, और उसकी हमेशा यही एम्बिशन होती है कि मुझे मॉडरेट सक्सेस नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर हो तो मैं कॉम्पिटेंट डॉक्टर हूँ, इतना उसके लिए ये काफ़ी नहीं है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बिजनेस कैसे वैसे चल रहा है या कुछ अच्छे सक्सेस मिल रहे हैं, इतने ऊपर वह काफ़ी कंटेंटेड नहीं होता। इसीलिए वो हमेशा ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है कि जिससे मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिले। और इसीलिए इस एम्बिशन के पीछे दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डिल्यूजन ग्रैंड्योर, ऐसे उसमें एक रूब्रिक है। इसका अर्थ ऐसा है, वो खुद को उतना भव्य दिव्य समझता है, वो उतना खुद को महान समझता है। यह एक रूब्रिक है, डेल्यूजन इनलार्ज। एक्चुअली देखा जाए तो यह डेल्यूजन है, यानी उस ड्रीम के वो आजू बाजू में भी नहीं रहता है, उस सत्य परिस्थिति के आजू बाजू में भी नहीं रहता है। लेकिन अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को खुद के ऊपर उतना भरोसा रहता है कि वह चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ। हर अर्जेंटम इस ग्रुप में जितनी भी रेमेडी है, फिर अर्जेंटिकम नाइट्रिकम हो, अर्जेंटिकम मेटालिकम हो या कोई भी हो, अर्जेंटम में एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वह है इम्पल्सिवनेस। इम्पल्सिवनेस का अर्थ ऐसा है कि जो कुछ दिमाग में आ जाए बस वो करना ही है, फिर वो पीछे हटता नहीं है, वो कर डालता है। इस चीज़ को इम्पल्सिवनेस कहते हैं। और इसकी एम्बिशन हमेशा क्या होती है कि मुझे ग्रेट थिंग्स अचीव करनी है, और एक बार इसके दिमाग में आ गया तो बस वो करनी है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि अर्जेंटम मेंटली बहुत शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट, इनका यानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि कोई भी चीज़ इनको आराम से समझ में आ जाती है, इजीली समझ में आ जाती है। और इसीलिए वो जो भी चीज़ करनी है उसके पीछे जो इंटेलिजेंस लगता है इनके पास ऑलरेडी वो है, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यह चीज़ मैं इजीली अचीव कर पाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम इनका क्या होता है, ये इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं या इनको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई भी मेंटल फोकस लंबे समय तक रख नहीं पाते। अगर कोई मेंटल वर्क है वो मुझे कंप्लीट करना है तो बीच बीच में मुझे फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स लगेंगे तो ही वो चीज़ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। अदरवाइज इसमें रूब्रिक है इनकॉन्स्टेंसी, यानी कोई भी चीज़ वो कंप्लीट इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, और दूसरी बात वो इम्पल्सिव होते हैं, यानी जो चीज़ करने बैठे वो निरंतर कर नहीं पाते क्योंकि उन्होंने ब्रेक लिया है और उसी समय कोई दूसरा चीज़ इसके दिमाग में आ गया या कोई दूसरी चीज़ इन्होंने देख ली तो वो चीज़ करने वो दौड़ पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि पहले ये चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँ फिर बाद में मैं दूसरी कर लेता हूँ। इसीलिए अर्जेंटिकम मेटालिकम उनका दिमाग अच्छा होने के बावजूद भी, उनके पास आर्टिस्टिक कैपेसिटी इतने अच्छी होने के बावजूद भी वो बहुत बार फेल होते हैं, और इसकी वजह एक ही है, वो है उनमें निरंतरता बिल्कुल नहीं होती।
और दूसरी वजह ये होती है उनमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत होती है। तो ये जो अर्जेंटम मेटालिकम होते हैं ये बेसिकली ओरिजिनल थिंकर होते हैं। इनके दिमाग में अगर कोई आइडिया आ जाए और वह आइडिया अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनके माइंड में बहुत सारी आइडिया चलती रहती है। आदमी है, आदमी के दिमाग में हर क्षण में कुछ ना कुछ तो चीज़ें आती रहती है। अगर आदमी कुछ पढ़ने भी बैठा तो वह पढ़ के वो चीज़ वो कंप्लीट नहीं करता, यानी उसमें जो दिया गया है कि आप ऐसे करो तो आपका भविष्य ऐसे अच्छा हो सकेगा, तो वो सिर्फ पढ़ता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। वैसे ही बात इस अर्जेंटिकम मेटालिकम में होती है। इनके दिमाग में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी आइडिया आती है जिसको क्लेवर आइडियाज़ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो आइडिया वह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, करते भी है, लेकिन निरंतरता उनमें नहीं रहती या बहुत बार ये करते ही नहीं है, सिर्फ विचार करते रहते हैं। इनकी आइडिया उस लेवल तक होती है जिसका कंपैरिजन हम सल्फर से भी कर सकते हैं, लेकिन सल्फर एक पैशनेट व्यक्तिमत्व है। सल्फर में एक निरंतरता भी होती है, सल्फर उतना कॉन्फिडेंट होता है। वेयर एज ये जो अर्जेंटिकम मेटालिकम के दिमाग में अगर आइडिया आ भी जाए लेकिन उनमें उतनी निरंतरता नहीं होती है, उतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है, वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी के जाल में फंस जाते हैं और वहाँ ही अपना प्रयास रोक देते हैं। यही जो डिफरेंस है वो सल्फर और अर्जेंटिकम मेटालिकम में है। ये जो व्यक्तिमत्व होते हैं वो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा ये ADD से गुजरते हैं, यानी अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर से गुजरते हैं। यानी जो कुछ चीज़ मैंने अभी ठान ली, मुझे इम्पल्स आया, मुझे करना है, तो करने बैठते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो होमवर्क टाइम पे नहीं करते, एकदम लास्ट मिनट में अपने मम्मी डैडी को बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल जाना है नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। साल भर में वो अपना टाइम पास करते रहते हैं और जब परीक्षा बहुत नज़दीक आ जाती है तब परीक्षा के कुछ दिनों पहले वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ये जो प्रॉब्लम आती है ये क्यों आती है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका जो कारण है वो ये है कि कोई भी चीज़ वो करने बैठते हैं उन्हें ऐसे लगता है ये चीज़ बहुत कंटाल है और उनमें एक लेजीनेस आ जाता है, या इनको लगता है कि ये चीज़ करनी यानी कि बहुत डिफ़िकल्टी है। आप समझो अगर कोई चीज़ आप करने बैठे और वह चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप उसमें इंटरेस्ट देके कर सकते हैं क्या? नहीं। और वही प्रॉब्लम इस अर्जेंटिकम मेटालिकम में भी आती है। एक तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो कम होता है और उनको बार बार डिस्ट्रैक्शन जाना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो खुद को लॉस्ट समझते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं और एंग्शियस फील करते हैं। इसीलिए कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए उनको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हम ऐसे लोग भी देखते हैं या आजकल ऐसे बच्चे भी हैं जो डिस्ट्रैक्शन के लिए इंटरनेट सर्फिंग करते हैं या गेमिंग करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एडल्ट्स भी होते हैं जो पॉर्न देखने में या मास्टरबेशन करने में वो उनकी एक टेंडेंसी बन चुकी होती है। ऐसे जो व्यक्ति जो पॉर्न देखते हैं वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर उन्होंने सेक्स कर भी लिया तभी भी सेक्स करने के बाद वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे जो पॉर्न देखते हैं लेकिन इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, सेक्स करने में प्रॉब्लम आती है, सिर्फ पॉर्न देखने में उनकी उनका टेंडेंसी हो चुका है, वो उसके एडिक्ट हो चुके हैं। मेरे पास एक ऐसी केस आई थी, हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे लेकिन इस हस्बैंड को कि पॉर्न देखने के एडिक्शन हो गया था और इसके वजह से वो अपने पत्नी के साथ कभी भी उसने बेड शेयर नहीं किया। घर में दो ही व्यक्ति रहते थे, वो और उसकी पत्नी,
पत्नी बेडरूम में सोती थी और इसको पॉर्न देखना रहता था और वह हॉल में सोता था। कभी भी इन्होंने गलती से भी नज़दीक आने की कोशिश नहीं की। अगर पत्नी ने फोर्स किया तो कैसे वैसे नज़दीक आता था, लेकिन उनका फोर प्ले भी नहीं हो पाता था। इस व्यक्ति को मैंने अर्जेंटिकम मेटेलिकम का 1 mg डोज दिया। उसके बाद इसकी जो ये परेशानी थी, इसकी जो ये प्रॉब्लम थी, वह कम्प्लीटली चली गई। अब ये जो व्यक्तिमत्व होते हैं अर्जेंटिकम मेटेलिकम, ये कन्फ्रंटेशन से डरते रहते हैं। कोई भी झगड़ा इनको अच्छा नहीं लगता। वो उनके मन में एक फियर आती रहती है कि अगर ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो, मैं झगड़ा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अगर झगड़ा हो गया तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये इसके मन में ये बार बार विचार चलते रहते हैं। और जब कन्फ्रंटेशन का वक्त आता है, गलती से भी इनका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तब उस वक्त वह बहुत ही काम होते हैं, शांत होते हैं। इस पे विजय पाने के लिए वह मार्शल आर्ट्स भी सीखते हैं, कुछ लोग बॉक्सिंग भी सीखते हैं, क्योंकि उससे कुछ मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसे उनको लगते रहता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो मार्शल आर्ट्स सीखते हैं, उनको एक पूछ लेना कि आप ये सीखना क्यों चाहते हैं, और उसकी गहराई तक जाइए, आपको बहुत सारे लोग अर्जेंटिकम मेटेलिकम मिल सकते हैं। ये जो अर्जेंटिकम मेटेलिकम लोग होते हैं, इनको सिल्वर टंग होती है। सिल्वर टंग यानी इसका शब्दशः अर्थ नहीं लेना, यानी जो बोलने में बहुत माहिर होते हैं, जिनका स्पीच बहुत अच्छा होता है, जिनको शब्द वापरना बहुत अच्छा आता है। इसीलिए कोई भी संकट आए या कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए, उससे वो इजीली बाहर आ सकते हैं। दूसरे को वो अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं, वो अच्छा स्पीच दे सकते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत माहिर होते हैं, अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ऐसे जो होते हैं वो अर्जेंटिकम मेटेलिकम होते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बड़ा स्टेज अगर परफॉर्मेंस करना है तो इनमें इंसोमनिया आ जाता है। ये इंसोमनिया क्यों आता है, एंजाइटी की वजह से। ये एंजाइटी क्यों आती है, एंटिसिपेशन करते रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अर्जेंटिकम मेटेलिकम का पूरा जो शो चलता है, यानी पूरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या पूरा इसका व्यक्तिमत्व है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, परफॉर्मेंस के ऊपर, शोनेस के ऊपर। क्योंकि अर्जेंटम क्या है, चांदी है, इट्स नॉट अ गोल्ड, इट्स चांदी। और इसीलिए मुझे शो करना है, अगर मैंने शो किया तो ही मुझे समाज में इज्जत है, तो ही मुझे मान मिल सकता है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वह है कंट्रोल। इसको पता रहता है कि मेरा खुद के इम्पल्स के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मेरे दिमाग में एक बार कोई भी चीज़ आ जाए, बस मैं कर देता हूँ। और इसी कंट्रोल लॉस होने की वजह से वो बहुत बार संकट में भी पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ कर देता है जिसके उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसी गलत चीज़ भी करता है कि बाद में जाके उसको बहुत पछतावा हो जाता है। वो वर्ड्स भी ऐसे यूज़ करता है जिसमें एडिट होता ही नहीं है, फिल्टर लगा ही नहीं होता है, बस मन में आया बोल दिया, बाद में जाके पछतावा होता है। हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे बोल देता है कि सामने वाले को फिर बाद में ये सोचता है, अरे इसको बुरा लगा होगा, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो इम्पल्सिवनेस होता है, ये खुद के ऊपर जो कंट्रोल नहीं होता है, इसके वजह से उसको वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी आती रहती है। और बहुत बार इसी वजह से वो टिमिड भी होता है, पब्लिक में बात करने से घबराता है, उसे बहुत सारे ऐसी फियर्स भी होती है, लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ हाइट होता है, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस होता है, नैरो स्पेसेस होता है, क्राउडेड रूम का उनमें फियर होता है, और इसीलिए क्राउडेड स्ट्रीट में जाने से उनको बहुत घबराहट महसूस होती है, और इसीलिए वो घर में ही रहना पसंद करते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे हम देख रहे कि अर्जेंटिकम मेटेलिकम, ये जो लोग होते हैं
वैसे वो आपको कॉन्फिडेंट नजर आए। बात करते समय ऐसे लगेंगे या क्या बात कर रहा है, लेकिन अंदर से उनको पता रहता है कि मैं बहुत एम्प्टी हूँ। और उस एम्प्टीनेस फीलिंग से डिस्ट्रैक्शन पाने के लिए, यानी ये चीज़ मुझे महसूस ही नहीं होनी चाहिए, इसके वजह से वो उनको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस समय उन्होंने डिस्ट्रैक्शन नहीं कर लिया तो वो खुद को बहुत ही लॉस्ट फील समझते हैं। मैं गया गुजरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक बाजू वो खुद को बहुत ही हाई परफॉर्मर समझते हैं, तो दूसरी बाजू वो ऐसे समझते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी भी अवस्था इस रेमेडी में हम देख सकते हैं। वैसे ये जो रेमेडी होती है ये बहुत ही एंशियस होती है, छोटी छोटी बातों के लेके ये बहुत एंशियस फील करती है। और ये एंजाइटी ये इतनी क्यों आती है? बिकॉज इसमें एम्बिशन होती है, और वो क्या होती है? डिजायर टू अचीव ग्रेट थिंग्स। और वो ग्रेट थिंग्स अचीव करने के लिए इसको काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो पूरा वर्कलोड ले लेता है। वर्कलोड जब ले लेता है तब इसकी नर्वस सिस्टम है वो वर्कलोड कोप नहीं कर पाती, इसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाती है, और फिर इसको इंटरनल ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, पाल्पिटेशन होना चालू हो जाता है, डिजीनेस आना चालू हो जाता है, लूज मोशन चालू होने आ जाते हैं। और इसीलिए एंजाइटी की वजह से या एंटीसिपेटरी एंजाइटी की वजह से जो लूज मोशंस की जो रेमेडी है वह अर्जेंटिकम मेटालिकम है। ये दिमाग से बहुत फटाफट विचार करते रहते हैं, बहुत फटाफट विचार आते रहते हैं, और वह बार 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 विचार करते ही रहते हैं। वो बहुत फास्ट होते हैं, हरिड होते हैं, इम्पेशंस होते हैं, लेकिन जब इनकी नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाती है वो उतने ही स्लो हो जाते हैं, काम में भी स्लो हो जाते हैं। भाषण देते समय वो भाषण के पहले इतने एंशियस हो जाते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे ऐसे लगता है अगर मैंने परफॉर्म नहीं ठीक किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट। और फिर यह सोच के वो जब स्टेज पे जाता है तो वो बहुत ही काम नज़र आता है, और परफॉर्मेंस के टाइम जब वह भाषण स्टार्ट करता है तब उस एंजाइटी की वजह से वह भाषण जब स्टार्ट करने लगता है, जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ता है उसका स्पीच जो है वो और फास्टर 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 होते जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप अर्जेंटिकम मेटालिकम में देख सकते हैं। तो अर्जेंटिकम मेटालिकम इन ऑल एक रेस्टलेस रेमेडी है, एक इम्पल्सिव रेमेडी है जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इस इम्पल्सिव नेचर की वजह से उसको हमेशा डर लगा हुआ होता है, एक एंजाइटी होती है कि मैं कहाँ प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। इस इम्पल्सिव वजह से वह खुद के इम्पल्स रोक नहीं पाता, तो यह रेमेडी सेक्सुअलिटी में भी बहुत यूज़ होती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक करीब करीब 42 इयर्स की एक पेशेंट आई थी जिसका दो बार विवाह हो चुका था, और विवाह होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर थे, क्योंकि उसको एक बार जिस आदमी से सेक्सुअल संबंध हो गया उसके बाद उसका नंबर वो ब्लॉक कर देती थी, और फिर उसको दूसरे टच की आवश्यकता होती थी, इसलिए उसके मल्टीपल पार्टनर्स थे। उसको अगर कोई सेक्स की डिज़ायर आ गई और गलती से भी समझो वो रोड से जा रही किसी आदमी का टच हो गया, तभी भी वो जो भावना है वो इतनी जागरूक हो जाती थी कि उस आदमी के साथ उसको सेक्स करना ही है, ऐसा इम्पल्स उसमें आ जाता था। तो इतनी हाईली सेक्सुअल इम्पल्सिव रेमेडी भी अर्जेंटिकम मेटालिकम है। ये वीडियो आपको कैसे लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए,